नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री ऑटोवर्ल्ड। आज हम लेकर आए टाटा LPT 1512 स्लीपर केबिन के साथ इस ट्रक की फुल डिटेल रिव्यू। फर्स्ट इसकी लुक देखे तो LPT सीरीज़ की लुक में कोई चेंजेस नहीं किया है। और केबिन ऑप्शन दो, डे केबिन और स्लीपर केबिन। आज हम लेकर आए स्लीपर केबिन ऑप्शन के साथ। ग्रॉस व्हीकल वेट 16,020 किलो। पेलोड कैपेसिटी 10 से 10.5 टन। इसके लेंथ और लोड बॉडी से इसका पेलोड कैपेसिटी चेंज होता है। टाटा की लोगो क्रोम फिनिश में, टाटा की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश में, और इसका ग्रिल प्लास्टिक मटेरियल में, हेडलैम्प हेलोजन टाइप में, साइड मेटल इंडिकेटर, बम्पर सिंगल पीस मेटल बम्पर ब्लैक फिनिश में। इसमें फॉग लैम्प फिट करने के लिए प्लेस, रिफ्लेक्टर, ट्विन हुक लगाने के लिए जगह, और नीचे एडिशनल बम्पर सेफ्टी के लिए, और 1512 की ब्रांडिंग क्रोम फिनिश में, और विंडशील्ड सिंगल पीस विंडशील्ड ग्लास क्लीन करने के लिए ड्यूअल वाइपर वॉशर के साथ, और दोनों साइड ग्रैब हैंडल, फ्रंट डिस्टेंस देखने के लिए प्रॉक्सी मिरर, हाइट मार्किंग लैंप। और इसका प्राइस 22 से 24 लाख। ऑन रोड पेशन आधे डिटेल्स के लिए नीरो शुम को कॉन्टेक्ट करें। और सारे ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर करने के लिए काफ़ी मिरर्स दिया है, साइड ब्लाइंड स्पॉट मिरर, साइड व्यू मिरर, वाइड एंगल मिरर। केबिन में चढ़ने के लिए 3 फुट स्टेप, और इसका फ्रंट एक्सल फोर्स्ड आई बीम रिवर्स एली टाइप, फ्रंट सस्पेंशन पैराबोलिक और सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर, टायर्स टोटल 6 प्लस 1 स्पेयर व्हील। अभी इसमें MRF कंपनी के टायर, टायर कंपनी चेंज हो सकता है। टायर साइज 9R20, 16 प्ले रेटिंग की रेडियल ट्यूब टायर। और स्लीपर केबिन में ड्राइवर कंफर्ट के लिए सस्पेंशन, केबिन टिल्टेबल टाइप, डे केबिन में मैन्युअली टिल्टिंग सिस्टम, और स्लीपर केबिन में हाइड्रोलिक टिल्टिंग सिस्टम, इंजन ऑयल चेक करने के लिए गेज, स्टेयरिंग ऑयल। और इसका इंजन 3.3 लीटर न्यू जनरेशन डीजल BS6 इंजन, 4 सिलेंडर इनलाइन वाटर कूल्ड डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन विथ इंटरकूलर, CC 3300, पावर 125 HP की 2600 RPM पर, टॉर्क 390 Nm की 1000 से 2200 RPM पर, क्लच 330 mm की डाई सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन टाइप, गियरबॉक्स GBS 40 5-स्पीड गियरबॉक्स, ग्रेडेबिलिटी 21.84%, और बैटरी 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की, और कट ऑफ स्विच भी दिया है, फ्यूल फिल्टर, प्रेशर टैंक, ब्रेक्स इसमें ड्यूअल सर्किट फुल एयर SKM ब्रेक्स विथ ऑटो स्लैग एडजस्टर एंड ABS, सर्विस इंटरवल इंजन ऑयल के लिए 60,000 किलोमीटर, गियरबॉक्स रियर एक्सल स्टीयरिंग ऑयल क्लच ऑयल हब ग्रीसिंग 1,20,000 किलोमीटर, कूलेंट 2,40,000 किलोमीटर, वारंटी 3 साल और 3 लाख किलोमीटर, व्हील बेस दो तरह का, 4,200 mm, 4,830 mm, और टर्निंग रेडियस 4,200 mm के लिए 16.6 मीटर, 4,830 mm के लिए 19.2 मीटर। और उसका स्पेयर व्हील, लोडिंग स्पैन 20 फीट बाई 20 फीट, लोड बॉडी ऑप्शन केबिन में चेसिस, फिक्स साइड डेक, हाई साइड डेक, कंटेनर, रिफर। और इसका रियर व्यू, रियर डोर पर टाटा की ब्रांडिंग और डोर लॉकिंग, ग्रैब हैंडल। लोड बॉडी की चौड़ाई 7.9 फीट, हाइट 7.1 फीट, और इसका माइलेज 7-7.5 किलोमीटर प्रति लीटर है। माइलेज डिपेंड करता है कि किस रोड पर चल रहा है, KOE लोडिंग और चलने के तरीके से माइलेज चेंज हो सकता है। और इसका टेल लैंप नॉर्मल टाइप में, और रिवर्स पार्किंग असिस्ट भी दिया है, उसके लिए 5 सेंसिंग पॉइंट, इससे कोई ऑब्जेक्ट बीच में आता हो तो बीप सुन जाएगा। और रियर बम्पर, चेसिस का डायमेंशन डेप्थ 223 mm, विड्थ 60 mm, थिकनेस 7 mm। इस ट्रक में केबिन ऑप्शन, लेंथ ऑप्शन, बॉडी ऑप्शन एप्लीकेशन और ज़रूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और आज हम लिख रहे हैं हाई डेक लोड बॉडी ऑप्शन के साथ। और इसके स्टॉपर, रियर व्हील्स का मड फ्लैप, साइड सेफ्टी गार्ड, और रियर एक्सल टाटा RA108R, फुल्ली फ्लोटिंग बेंजो टाइप रियर एक्सल, रियर एक्सल रेशियो 5.857, रियर सस्पेंशन सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग, ग्राउंड क्लीयरेंस 225 mm। और इधर एक स्टॉपर, साइड मार्कर लैंप, और फ्यूल टैंक मेटल टैंक दो ब्रैकेट के साथ,
160 लीटर कैपेसिटी की, और लॉकिंग के लिए कंपनी से एक लॉक और एक्स्ट्रा लॉक भी लगवा सकते हैं। और इसका एडब्लू टैंक 18 लीटर कैपेसिटी की, और साइड हर एक बीम पर हुक भी दिया है। एयर इनटेक, एयर फिल्टर केबिन के पीछे, और केबिन में चढ़ने के लिए 3 फुट स्टेप, व्हील आर्च पर टर्न इंडिकेटर। और अभी केबिन की इंटीरियर व्यू देखेंगे। इसका डोर पैडिंग, इसमें पेपर होल्डर, बॉटल होल्डर, ग्रैब हैंडल, अनलॉकिंग, ग्लास अप डाउन करने के लिए लीवर, लॉक अनलॉक। और इसका ड्राइवर सीट एडजस्टेबल टाइप, सस्पेंडेड सीट, काफ़ी कंफर्टेबल सीट। और दोनों साइड ग्रैब हैंडल, और पीछे फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी के लिए। और डैशबोर्ड की व्यू, स्टीयरिंग 2-स्पोक टिल्ट इन टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग, स्टीयरिंग में टाटा की लोगो, राइट साइड पर इंडिकेटर और हेडलाइट की कंट्रोल, लेफ्ट साइड पर वाइपर की कंट्रोल, स्टीयरिंग में हॉर्न की कंट्रोल, और हैंड ब्रेक लीवर। स्विचेस में रीजनरेशन की 2 स्विच, एग्जॉस्ट ब्रेक की स्विच और एक्स्ट्रा स्विचेस के लिए प्लेस, हज़ार लैम्प की स्विच, कंपनी फिटेड स्पीकर, ब्लोअर वेंट। और कीस इसमें टोटल 6 की, 2 इग्निशन के लिए, 2 डीजल टैंक के लिए, 2 एडब्लू टैंक के लिए। और इसका पेडल्स, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेलेटर पेडल, ब्रेक्स में ड्यूअल सर्किट फुल एयर एसकेएम ब्रेक्स। और इसका क्लच, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक की कंट्रोल, और हेल्प बटन, 2 ब्लोअर वेंट, USB चार्जिंग सॉकेट, ब्लोअर कंट्रोलर, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। इस ट्रक में कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम दिया है। और इसका गियर नॉब, 5-स्पीड गियर बॉक्स, और इसमें गियर शिफ्ट एडवाइजर भी दिया है। और लॉकेबल ग्लो बॉक्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। और टूल किट, को ड्राइवर सीट एडजस्टेबल टाइप, और इसका स्लीपर बर्थ, पीछे स्लाइडिंग विंडो, केबिन लाइट, साइड में भी स्लाइडिंग विंडो दिया है। इस ट्रक में अभी भी ब्लोअर ऑप्शन ही दिया है, एसी ऑप्शन नहीं दिया है। और सन वाइजर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डिजिटल प्लस एनालॉग, लेफ्ट साइड पर RPM और टेम्परेचर, राइट साइड पर स्पीड और फ्यूल लेवल, MID में ओडोमीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, एडब्लू लेवल, प्रेशर गेज, वोल्टेज, टाइम, माइलेज और अदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दिया है। और अभी इंजन को स्टार्ट करके इंजन के साउंड सुनाएंगे। और चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चेक कर सकते हैं। इस ट्रक की इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।